Sim. अच्छा, कल जो हम कॉन्सेप्ट जाते जाते कर रहे थे उसको अभी मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करता हूँ। पहले ऐसा करें कि जो पेज 22 है उस पे आ जाएं। अभी तक जो हमने पढ़ा है ज़रा उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर कल वाले कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करेंगे। अच्छा जी, एसेट क्या है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल हो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, और फ्यूचर में उससे क्या आने हो? इकोनॉमिक बेनिफिट्स। नोट्स का पेज नंबर 22। अच्छा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स दो फॉर्म में आ सकते हैं एसेट से। नंबर वन, या तो सेल बढ़ने से या कॉस्ट कम होने से। किसी को याद हो कॉस्ट कम होने की एक मिसाल दी थी? मिसाल के तौर पे पहले एम्प्लॉई आता था, वो रजिस्टर के ऊपर अपना नाम लिखता था, कोई बंदा बैठा होता था एंट्री एग्जिट के लिए। अब हमने उसको निकाल दिया और उसकी जगह एक मशीन लगा दी। अब सिर्फ मशीन के ऊपर आके वो थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, तो एक बंदे को नौकरी से निकाल दिया, उसकी जगह मशीन लगा दी। तो एसेट फ़ायदा कितने किस्म से देते हैं? दो किस्म से। या तो एसेट्स ख़रीदने की वजह से हमारी सेल बढ़ती है, या एसेट्स ख़रीदने की वजह से हमारी कॉस्ट कम होती है। अच्छा जी, एसेट के एसेट होने के लिए दो शराइत बता दें। कंट्रोल हो ड्यू टू पास्ट इवेंट, और फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने हो, चाहे इस फॉर्म में ओवरऑल या इस फॉर्म में। चाहे सेल बढ़ के बेनिफिट आए, चाहे कॉस्ट कम होकर बेनिफिट आए। अच्छा, इनटेंजिबल आपको पता है वो होता है जिसमें तीन शराइत पाई जा रही हो: आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनिटरी और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ठीक है, आइडेंटिफिएबल में ये एक लफ्ज लिखा हुआ है सेपरेबल। क्या इनटेंजिबल को सेपरेट करके बेचा जा सकता है? सेपरेट करके, मिसाल के तौर पे एक अजीब सी बात कर रहा हूँ, एक साहब हैं, उनसे ऐनक सेपरेट की जा सकती है? उनकी ऐनक, उनकी अंगूठी सेपरेट की जा सकती है? उनका कैलकुलेटर सेपरेट किया जा सकता है? उनका नाक सेपरेट किया नहीं किया जा सकता ना? उनका हाथ, उनकी उंगली सेपरेट की जा सकती है? नहीं की जा सकती, सेपरेबल नहीं है। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आपने उसको बेचना है, तो क्या बेचने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन भेजनी पड़ेगी, या सॉफ्टवेयर अलग से बेचा जा सकता है? सॉफ्टवेयर अलग से बेचा जा सकता है। तो इनटेंजिबल्स जो है, टेंजिबल्स भी सेपरेबल ही होते हैं। ये क्रिसेंट कॉलेज है, इस एसी को अगर बेचना हो तो पूरा क्रिसेंट बेचना पड़ेगा, वरना ये एसी नहीं बिक सकता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इसका मतलब है एसी सेपरेबल है, जुदा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन से, या पूरी ऑर्गेनाइजेशन बेचेंगे तो ये एसी बिकेगा? जुदा हो सकता है। तो ये बात है मोहतरम सेपरेबल में। सेपरेबल का मतलब लिख लें अलग से बेचा जा सकता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बेचनी पड़ेगी, अलग से ये एसेट बेचा जा सकता है। अब्दुल्ला, एक दो दिन में शोर करें, ये जो हाइब्रिड क्लास है सामने बेंच लग जाएं, एक दो रोज़ में मुझे बेंच मिसिंग लग रहे हैं। ओके, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात मोहतरम ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बिक ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पे हुकूमत ने आपको फिशिंग लाइसेंस दिया है, क्या वो बिक सकता है या बिक ही नहीं सकता? बिक ही नहीं सकता। फिशिंग लाइसेंस हुकूमत आपको जब बेचेगी तो बेचते हुए कहेगी कि भाईजान ये आपको दे रहे हैं, आपने आगे किसी को नहीं देना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इनटेंजिबल्स में, उनकी नेचर ऐसी होती है कि हम आगे उनको किसी को नहीं दे सकते। तो कुछ चीज़ें सेपरेट नहीं हो सकती ऑर्गेनाइजेशन से, यानी उनको आप अलग से बेच नहीं सकते, जैसे कि लीगल राइट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। हो सकता है हुकूमत से आप या बाहर के मुल्क से कोई सॉफ्टवेयर लें, उसका भी लीगल राइट में लिखा हो कि आप सॉफ्टवेयर को आगे बेच नहीं सकते, तो फिर उस सॉफ्टवेयर को भी आप बेच नहीं सकते। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि इनटेंजिबल की शनाख्त तब हो सकेगी या उसे सेपरेट करके बेचा जा सकता हो,
अगर नहीं बेचा जा सकता तो भी कोई मसला नहीं, फिर हो सकता है वो लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होगा। मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट वालों के साथ आपका तय हो गया कि आपने जो हमें लाइसेंस देने हैं वो हम आगे नहीं बेचेंगे, तो फिर वो लाइसेंस सेपरेट तो नहीं हो सकता, वो बेचा तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उसको इंटेंजिबल ज़रूर कहेंगे। लेकिन अगर आपने कोई पाकिस्तान की कंपनी से फीस बनाने का, फीस प्रोसेस करने का सॉफ्टवेयर खरीदा, उसने कहा आप ले लो, आपने आगे बेचना हो आगे बेच दो, तो वो क्या होगा? सेपरेबल होगा। तो इंटेंजिबल कितने किस्म के हो गए? दो किस्म के, कुछ सेपरेट करके बेचे जा सकते हैं और कुछ लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हैं, उनको भी स्टिल हम क्या कहेंगे? आइडेंटिफिएबल। आइडेंटिफिएबल होने की वजह से वो क्या बन जाएंगे? इंटेंजिबल। अच्छा, इंटेंजिबल रिकॉर्ड होने के लिए दो शरायत हैं, इंटेंजिबल रिकॉर्ड होने के लिए दो, इंटेंजिबल को इंटेंजिबल कहने के लिए कितनी शरायत हैं? तीन। आइडेंटिफाई हो सके, वो पैसे नहीं है और उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इनटेंजिबल को रिकॉर्ड करने के लिए दो शरायतें, और ये वो ही दो शरायतें जो आईएस 16 में भी थी। क्या? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने हो, ये वही बात है जो ऊपर एसेट में पड़ी है, और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। तो जिस इनटेंजिबल से फ्यूचर में बेनिफिट आना हो और जिस इनटेंजिबल की कॉस्ट पता चल सके, उस इनटेंजिबल को आप क्या कहेंगे? इसको रिकॉर्ड करने की इजाजत है। रिकॉर्ड करने का क्या मतलब है? ऐसा इंटेंजिबल जिसमें ये दो बातें पाई जाएं, उस इंटेंजिबल की एंट्री की जा सकती है, इसे कहते हैं रिकॉग्निशन या रिकॉर्ड करना। किस इंटेंजिबल को किताबों में रिकॉर्ड किया जा सकता है? अच्छा, अब मिसाल के तौर पे तरतीब से चलते हैं। मैंने एक फिशिंग लाइसेंस खरीदा है, क्या ये एसेट है या नहीं? पहले मैं ये सवाल पूछूंगा। क्यों? क्योंकि ये मैं कंट्रोल कर रहा हूं एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, क्या हुकूमत से जाके मैंने खरीदा है। दूसरा सवाल, फिशिंग लाइसेंस से फ्यूचर में फिशेज आएंगी और मैं उनको सेल करूंगा। अच्छा, पहला सवाल, कोई भी इंटेंजिबल खरीदेंगे तो ये सोचेंगे एसेट भी है या नहीं। अगला सवाल, अगर एसेट है तो क्या ये इंटेंजिबल है या टेंजिबल है? तो फिशिंग लाइसेंस लीगल राइट है, पैसे नहीं है ये, और इसकी एग्जिस्टेंस फिजिकल नहीं है, कागज का टुकड़ा है, लेकिन वो कागज के टुकड़े की फिजिकल एग्जिस्टेंस की कोई खास अहमियत नहीं है, असल में उसके पीछे छुपा हुआ जो राइट है फिशिंग करने का, उसकी हैसियत है। और अब जब ये मैंने कागज का टुकड़ा खरीद लिया फिशिंग लाइसेंस, तो आखिरी सवाल ये है, इनटेंजिबल डेबिट भी कर सकता हूं या नहीं? उसके लिए दो बातें हैं। नंबर वन, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने, वो तो वैसे हम एसेट वाली कैटेगरी में भी चेक कर आए हैं। और दूसरी शर्त, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, यानी कितने का खरीद है, वो तो हुकूमत को जो आपने पैसे दिए होंगे वो उसकी कॉस्ट होगी। तो ये मोटी मोटी कुछ जनरल बातें हैं। अच्छा, एक ये बात हुई थी हमारी, एक अगली बात हुई थी जो अगले सफ़े पे थी, वो ये थी कि परचेज किए हुए सारे इंटेंजिबल इंटेंजिबल हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो इंटेंजिबल आपने खुद बनाए हैं उनमें दो ऑप्शंस हैं, अगर वो इन पांच में आ रहे हैं तो वो इंटेंजिबल नहीं है, क्योंकि इनमें कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। तो इंटेंजिबल्स ये जो पांच हैं, इनको इंटेंजिबल में डालना ही नहीं। इसके अलावा अगर कोई खुद इंटेंजिबल बना रहे होंगे, उसमें आपने देखना है रिसर्च फेज है या डेवलपमेंट फेज है, और वो अगली डिस्कशन आपको पता है। और कल जाते जाते चंद चीजें पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी कि इनटेंजिबल को अमोर्टाइज या इंपेयर करना है या नहीं करना। तो उसका जवाब ये था कि अगर तीन इंटेंजिबल्स हैं, परचेज्ड, गुडविल, ऐसा इंटेंजिबल जिसकी लाइफ मालूम नहीं है, और ऐसा इंटेंजिबल, तो ऐसी सूरत में इनको आपने अमोर्टाइज, हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है, और बाकी इंटेंजिबल्स हैं उनको आपने अमोर्टाइज करना है। इंपेयरमेंट टेस्ट से सिर्फ तब गुजारना है जब इंडिकेशन हो। अच्छा, ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा था उसकी समरी थी। अब कल जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसको ज़रा अगर डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि अच्छी है या बुरी है, तो अज्यूम करेंगे डेवलपमेंट अच्छी है, ऐसे सवाल हमने करने हैं। वो जो सवाल आएगा फिर हम देखेंगे, इस तरह के सवाल आएंगे, लेकिन बड़ा क्लियरली सवाल में कुछ ना कुछ बताया होगा। अच्छा, कल जाते जाते एक बात की थी जो मैंने कहा था उस पर आपने सवाल नहीं पूछने, पहले मैं उस बात को डिस्कस करता हूँ। हाइब्रिड क्लास में भी एक साहब ने सवाल पूछा था, जाते जाते वो बात समझ नहीं आई, पहले उस बात को ज़रा साइड पे रखें। एक मुझे चीज़ बताएं कि आप जो है स्विमिंग के शौकीन हैं, स्विमिंग के शौकीन हैं,
आप जैसे ही स्विमिंग करने गए तो उसने, जो स्विमिंग पूल का ओनर था, उसने कहा जी आप अपने दोस्तों के साथ आए हैं, आप लोगों को 4 घंटे इजाज़त है इस्तेमाल करने की स्विमिंग पूल, और 4 घंटे के हम आपसे 10,000 रुपये लेंगे, आपको स्विमिंग पूल इस्तेमाल करने की इजाज़त है, 4 घंटे के आपसे 10,000 लेंगे, और जब 4 घंटे गुजर जाएंगे हम आपको ऑप्शन देंगे 2 घंटे और इस्तेमाल करने की। आप सवाल क्या पूछेंगे उससे, ज़रा ये बता दें, आप उससे सवाल क्या पूछेंगे कि भाई बाकी 2 घंटे जो तुम लोगों ने इस्तेमाल करने देना है तो उस 2 घंटे के अंदर मेरे से पैसे कितने लोगे? कहते हैं यार पैसे छोड़ो या ना, उन 200 रुपये दे देना। आप सारे दोस्त एक दूसरे, रशीद अकरम यार लुट मच गई यार, यार जल्दी आओ, दोस्तों को और भी फोन करके बुला लेंगे यार, 4 घंटे के 10,000, सारा ग्रुप है दोस्तों का, 4 घंटे के 10,000 ले रहे हैं और 2 घंटे के सिर्फ। जब आप स्विमिंग शुरू करने लगेंगे 4 घंटे के पहले मिनट में, मिसाल के तौर पे आप सुबह जो है वो 10 बजे पहुंच गए हैं, तो जैसे ही 10:01 पे आप छाल मारेंगे तो छाल मारते हुए आप क्या सोचेंगे कि आपने 4 घंटे स्विम करने हैं या 6 घंटे स्विम करने हैं? आप छाल मारते सोचेंगे 6 घंटे स्विम करेंगे, ऐसी ऑफरें कौन छोड़ता है, ऐसी ऑफरें तो नहीं छोड़ता ना कोई, तो ऐसी ऑफरें कौन छोड़ता है, ठीक है जी। तो मैंने ये कल कहा था कि जिस वक्त आप 10 से लेकर दोपहर 2 बजे तक तो आपने नहाना ही नहाना है 10,000 में, और 2 बजे से 4 बजे तक वाली भी ऑप्शन अवेलेबल है, यानी 2 घंटे और भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी, लेकिन ये ऑप्शन इतनी सस्ती है किसके मुकाबले में, अमाउंट को इन इट सेल्फ नहीं देखना, मटेरियल है या इमटेरियल, यानी आप 200 को देख रहे हो, 200 मेरी जेब में, इस तरह नहीं देखना, 200 को 10,000 के मुकाबले में देखना है, इससे कंपेयर करके देखना है। तो अब आपने 200 को 10,000 के मुकाबले में देखा और आप शुरू से ही प्लानिंग इस तरह कर रहे हैं, आपने फोन करके कह दिया अबू मुझे ना 6 घंटे बाद इंशाल्लाह ले जाइएगा, मैं तो अब हम 6 घंटे इंशाल्लाह इधर ही हैं, तो 6 घंटे बाद अगर मैं तो मुझे जो है वो ले जाइएगा, तो शुरू से ही बंदा फिर प्लान करके चलता है, क्लियर होगी बात। इसी तरह इंटरनेट कैफे है, वहां आप गए तो 4 घंटे के जो है वो उन्होंने 10 रुपये रखे और 2 घंटे में उन्होंने कह दिया भाई आप 1 रुपया दे देना, या आपने जो है बिल्कुल ना होने के बराबर पैसे दे देना, तो बंदा खुद ही शुरू से प्लान कर लेता है यार ये ऑफर तो मैं जरूर एक्सरसाइज करूंगा, क्लियर होगी बात। अब दूसरी तरफ एक ऑप्शन ये है कि आप स्विमिंग पूल में गए, उन्होंने कहा 4 घंटे के 10,000 रुपये और 2 घंटे के आपसे जो है वो हम ले लेंगे 4,000 रुपये, तो आप दोस्तों ने आपस में मशवरा किया, आपने कहा यार चलो 4 घंटे तो स्विमिंग करें ना, फिर देखेंगे क्या करना है। तो आप जब पहली छाल मारेंगे उस वक्त ये सोच के मारेंगे कि 6 घंटे मैंने इसी पानी के अंदर रहना है, या फिर 4 घंटे बाद डिसाइड करेंगे कुछ बचा तो मैं रहूंगा मेरा, तो 4 घंटे के बाद आप डिसाइड करेंगे। तो मोहतरम कौन सी ऑफर को लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो सस्ती हो या जो महंगी हो? मैं इतनी महंगी नहीं कह रहा इसको, लेकिन पहली ऑप्शन के मुकाबले में ये तो महंगी ऑप्शन है ना। तो इसलिए अब एक सवाल आपके जहनों में आया करेगा, हमें पेपर में बैठ के कैसे पता चलेगा कि सर कोई परसेंटेज बता दें कि 10,000 का 5% या 10,000 का 10%, कोई एक ऐसी परसेंटेज बता दें जिससे हमें क्या अंदाजा हो जाए कि ये महंगी चीज है या सस्ती चीज है। तो आपको पता है भाई जान, आपने जितनी अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कभी भी परसेंटेज आमतौर पर नहीं देता, मटेरियल और इमटेरियल चीज़ों के लिए परसेंटेज नहीं देता। आई कैप का अल्लाह भला करे, आई कैप फिगर्स में ऐसे ज़बरदस्त तरीके से फिगर्स दे रहे हैं कि इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है फिगर में कि बंदे को क्लियरली पता चल जाता है ये सस्ती ऑप्शन है या महंगी ऑप्शन है। अब ये डिस्कशन कल हमने की थी, उस डिस्कशन की बुनियाद के ऊपर हम आगे चलते हैं। आई होप अब शायद कल वाली बात जो है वो समझ आ गई हो। सवाल कौन सा कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 47। अच्छा जी, पहले देखिए मैं सवाल को बदल रहा हूं, ऑप्शन 2 काट रहा हूं, और मैं कौन सी ऑप्शन देखने लगा हूं, ऑप्शन 1। एक कंपनी ने फिशिंग लाइसेंस परचेज किया है, जो भी लाइसेंस है, 6 साल के लिए, कितने का?
ये 6 साल हो गए, और रिन्यू कितने अरसे के लिए हो सकते हैं? 4 साल के लिए। ये मैं रेड मार्कर से बना रहा हूँ, 4 साल के लिए रिन्यू हो सकता है। क्लियर? ये 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 6, 7, 8, 9, 10। अ कंपनी परचेज अ लाइसेंस फॉर 6 ईयर फॉर 30 मिलियन। 6 मिलियन लाइसेंस इस्तेमाल करके कितने पैसे देने हैं? 30 मिलियन। और 4 साल के लिए रिन्यू होगा। कैलकुलेट द लीगल लाइफ एज्यूमिंग एट द एंड ऑफ 6 ईयर इट कैन बी रिन्यूड एट 14 मिलियन। इस 4 साल के कितने पैसे देने पड़ेंगे? अब मेरा कल वाला सवाल है, सिर्फ आप लोगों ने 6 और 4 साल को नहीं देखना, आप लोगों ने सिर्फ जैसे 10,000 रुपये और 200 रुपये थे उनको देखा था, तो आप इसको सिर्फ देखें। क्या 14 मिलियन 30 मिलियन के मुकाबले में ना होने के बराबर है? क्या मैं कह सकता हूँ 14 मिलियन 30 मिलियन के मुकाबले में बहुत सस्ता है? बहुत बहुत निहायत सस्ता का लफ्ज़ सोचना है पेपर में। क्या ये निहायत सस्ता है? नहीं, निहायत सस्ता नहीं है। शायद किसी को सस्ता लग रहा हो, आपको लेवल है, आपके पास पैसे होंगे, बुने दिए होंगे, शायद किसी को, लेकिन 30 मिलियन के मुकाबले में कम से कम ये सस्ता नहीं है। आप बता दें, जिस वक्त मैं यहां खड़ा हूं, जिस वक्त मैं यहां खड़ा हूंगा, उस वक्त खड़ा होकर मैं पहली छलांग मार रहा हूं या पहली दफा इंटेंजिबल यूज कर रहा हूं, यहां खड़ा होकर मैं क्या सोच रहा हूंगा कि 6 साल बाद देखी जाएगी रिन्यू कराने या नहीं कराना, या मैं सोचूंगा यार मैं तो इंशाल्लाह रिन्यू भी कराऊंगा और 10 साल ही चलाऊंगा। हाँ, रिन्यू कराना कोई जबरदस्ती तो नहीं है, उस वक्त रिन्यू कराना हुआ करा लेंगे, लेकिन फिलहाल में 30 मिलियन को कितने सालों पे अमोर्टाइज करूंगा? 6 सालों पे अमोर्टाइज करूंगा। क्लियर? ये थी ऑप्शन वन। तो ऑप्शन वन के अंदर मेरा जवाब क्या होगा? मैं अमोर्टाइजेशन कैसे निकालूंगा? ओ भाईजन, ये ना पूछना कि 14 मिलियन का क्या करना है, ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, अभी तो 14 मिलियन खर्च ही नहीं किया। 14 मिलियन कब खर्च करूंगा अगर मैंने करना हुआ? 6 साल बाद। अभी तो मैं खरीद रहा हूं या रिन्यू करवा रहा हूं? खरीद रहा हूं। तो खरीदते हुए मेरी जेब से कितने पैसे गए होंगे? सिर्फ 30। और मैं खड़ा किधर हूं? पहले साल के पहले दिन। और सोच कह रहा हूं कि 6 साल इस्तेमाल करना है या 10 साल? डिसाइड क्या हुआ है कि काफी इतनी सस्ती रिन्यूअल नहीं है, इसलिए मैं इंशाल्लाह कितने साल सिर्फ इस्तेमाल करूंगा। कॉस्ट को पकड़ेंगे कितनी? 30,000। और लीगल लाइफ क्या लेंगे? 6। क्या जवाब आ जाएगा? 5,000। डेट विल बी माई अमोर्टाइजेशन ऑफ द फर्स्ट ईयर, और हर साल इसी तरह अमोर्टाइज होता रहेगा। ये पहली ऑप्शन होगी। अब दूसरी ऑप्शन देखते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है? अब पहली ऑप्शन को मैं काट देता हूं, दूसरी ऑप्शन समझ लें या दूसरा सिनेरियो समझ लें, दूसरा सिनेरियो समझना ज्यादा बेहतर है। सिनेरियो टू होना चाहिए। सिनेरियो टू क्या है? सिनेरियो टू ये है मोहतरम कि मैं सिर्फ कितने में रिन्यू करा लूं? 1 मिलियन में। आप बता दें मेरी जो रिन्यूअल है वो कितने में है? 14 मिलियन में या 1 मिलियन में? अब अगर कोई चीज मुझे 30 मिलियन मिली 6 साल के लिए और 1 मिलियन मिल गई 4 साल के लिए, तो क्या 1 मिलियन 30 मिलियन के मुकाबले में सस्ता है, महंगा है या बहुत ही सस्ता है? बहुत ही सस्ता है। आई कैप फिगर्स में इतना बड़ा बड़ा फर्क डाला करेगा कि आपको फौरन बात समझ आ जाएगी। तो ये 1 मिलियन 30 मिलियन के मुकाबले में बहुत ही सस्ता है। आप बताएं, मैं पहले दिन से ही क्या भाई, आप लोग आगे आ रहे हो स्टूडेंट्स के, आप दोनों हाइब्रिड क्लास में, अच्छा, अब मैं पहले दिन से ही क्या सोचूं? इधर देख लो, अब मैं पहले दिन से ही क्या सोचूं कि मैं कितना अरसा इस्तेमाल करूंगा इंटेंजिबल, और इंशाल्लाह सस्ती चीज़ें मैं इंशाल्लाह रिन्यू करवा लूंगा। तो पहले दिन से ही मैं 30 मिलियन को कैसे अमोर्टाइज करूं? 10 साल पे। जब कभी 1 मिलियन का खर्चा होगा उसकी अकाउंटिंग मैं करवाऊंगा। फिलहाल मुझे सिर्फ पहले साल के पहले दिन खड़े होकर बता दें मैं लाइफ क्या लूं। अब अगर मैंने लाइफ 10 ईयर ली है, तो दूसरे सिनेरियो के अंदर मैं अमोर्टाइजेशन कैसे निकालूंगा? कॉस्ट पकड़ूंगा, कॉस्ट तो भी वही है ना, कॉस्ट पकड़ूंगा। 30,000 से मुराद है 30 मिलियन भी मैं लिख सकता हूँ, लिखना चाहूँ तो मैं रुपीज़ इन थाउजेंड में कर रहा हूँ, रुपीज़ इन थाउजेंड। तो 30,000 डिवाइडेड बाय डेट इज 3,000। डन। तो ये था जी
इस 1 मिलियन के साथ हमने लिखा बहुत सस्ता, 14 मिलियन के साथ कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बहुत सस्ता। तो जब बहुत सस्ता होगा तो फिर मैं आप 10 साल पे करूंगा या 6 साल पे? लेकिन पहले सिनेरियो में कितने साल पे? 6 साल पे। चार्जर लगा दो भाई। 1 मिलियन कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, ये मैंने कहा है, कल बहस करूंगा। फिलहाल 1 मिलियन का खर्चा हो गया है या नहीं हुआ? कितने साल बाद होगा? वो 6 साल बाद जब होगा तो वैसा सवाल कल कोई कर लेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ पहली बात को सामने रखते हुए ये डिसीजन ले लें। लगाया है उसने चार्जर अब्दुल्ला? चार्जर लगाया है। ओके, अब हम एक ऐसा सवाल करते हैं जिस सवाल के अंदर जो है वो आपको यूजफुल लाइफ भी दी जाए और लीगल लाइफ भी दी जाए। अब एक ऐसा सवाल करते हैं जिसमें यूजफुल लाइफ भी दी जाए और लीगल लाइफ भी दी जाए। ओके, जल्दी से कर लो फिर। क्वेश्चन नंबर 6, इससे पहले 2 रूल बता दें जो आपने अभी तक समझ लिए हैं, वो सादा सादा से रूल हैं। कल क्वेश्चन 4 हमने किया था, कल क्वेश्चन 4 हमने किया था, उसमें हमने एक रूल पढ़ा था। पहले बताएं यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ क्या होती है। पहले ये बता दें यूजफुल लाइफ क्या होती है, इनटेंजिबल कितना अरसा हमारा साथ दे सकता है, ये यूजफुल लाइफ होती है। और लीगल लाइफ क्या होती है, हुकूमत ने हमें कितने अरसे के लिए वो लाइसेंस दिया है। क्वेश्चन 4 में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ दी हो तो दोनों में से किस पे अमोर्टाइज करने, शॉर्टर पे अमोर्टाइज करने, ये इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था। फिर यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ से एक आगे का कॉन्सेप्ट है, वो है लीगल लाइफ की रिन्यूअल, वो है लीगल लाइफ की रिन्यूअल। एक क्या चीज है बोले, यूजफुल लाइफ। एक क्या चीज है, एक है यूजफुल लाइफ और लीगल लाइफ से हट के बात वो लीगल लाइफ के ही अगली बात है, वो लीगल लाइफ की क्या है, रिन्यूअल है। पॉज कर दो जरा। ओके, तो आप भाईजान आप प्रिपेयर हो जाएं मेंटली कि आपको जो है वो 3 किस्म की लाइफ्स गिवन हो सकती हैं। कितने किस्म की? 3 किस्म की। एक तो यूजफुल लाइफ, यानी वो इंटेंजिबल कितना अरसा आपको फायदा दे सकता है। अगली कौन सी लाइफ? लीगल लाइफ। लीगल लाइफ एक ओरिजिनल होगी और एक उसमें एक्सटेंशन की ऑप्शन होगी, एक उसमें एक्सटेंशन की ऑप्शन होगी। मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहता है जी मैंने टीवी चैनल चलाना है, तो मेरा इरादा है कि मैं टीवी चैनल 50 साल चलाऊंगा, मेरी तो ज़िंदगी नहीं इतनी, बस 50 साल टीवी चैनल चलाऊंगा। हुकूमत से जाके पूछा कि मुझे टीवी चैनल चलाने का लाइसेंस दे दो, कौन सी अथॉरिटी है, पैमरा? पैमरा से जाके कहा कि मुझे लाइसेंस दे दो टीवी चैनल चलाने का पाकिस्तान में, तो पैमरा ने आपसे पूछगछ की, देखा किस किस्म के लोग हो आप। पैमरा ने कहा ठीक है जी आपको लाइसेंस की इजाज़त देते हैं, आपका इरादा क्या है? इसने कहा जी मेरा तो इरादा है 50 साल तक मैंने जो है वो इस काम को चलाना है, वरना तो उसके बाद मैंने मारी जाना है, तो 50 साल तक मैं ये चैनल चलाऊंगा अगर आप लोगों ने मुझे इजाज़त दे दी। इन्होंने कहा भाईजान माजरत, पैमरा वालों ने कहा जी आपको सिर्फ 10 साल के लिए लाइसेंस मिलेगा। इसने कहा यार कुछ गुंजाइश निकालो। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर आपका दिल चाहा तो 10 साल बाद आना। आगे बोले 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 10 साल बाद आना और 10 साल बाद आके लाइसेंस को मैं आपको 5 साल के लिए रिन्यू कर दूंगा। और बताओ 10 साल बाद आना और आपको आके कितने में रिन्यू, कितने साल के लिए और रिन्यू कर दूंगा, 5 साल बाद। तो अब आप मुझे ये चीज बताएं कि 5 साल को जमा करके लीगल लाइफ निकालूं या लीगल लाइफ 5 साल को इग्नोर करके निकालूं? भाईजन मैंने स्विमिंग 4 घंटे करनी है या 2 घंटे और डाल के करनी है, ये मैं जबानी कलामी डिसाइड नहीं कर सकता जब तक मैं उसे पूछ ना लूं अगले 2 घंटे के कितने पैसे हैं और इस 4 घंटे के कितने पैसे हैं।
अब बड़े हो जाएं, अब सवाल में इंटेंजिबल्स के तीन किस्म की लाइफें गिवन हुआ करेंगी, कोई एक लाइफ नहीं गिवन होगी। एक कौन सी? मेरा इरादा है कि मैं 50 साल तक टीवी चैनल चलाऊं। हुकूमत वाले कहते हैं भाईजन सिर्फ 10 साल तक चला लो बस। आपने कहा जी और कोई गुंजाइश? उन्होंने कहा चलो आना पे 10 साल बाद फिर देख लेंगे, 5 साल और तो मेरा लाइसेंस रिन्यू कर देंगे। जाओ याद करो, क्या याद करोगे? जाओ। अब मोहतरम मुझे ये बताएं कि मैं लीगल लाइफ को 10 लूं या लीगल लाइफ को 10 जमा 5 15 लूं, ये मेरा सवाल है आपसे। भाईजन 15 वाले भी गलत बोल रहे हैं, 10 वाले भी गलत बोल रहे हैं। सवाल ये है कि 10 साल का लाइसेंस कितने में मिलेगा और 5 साल का लाइसेंस कितने में मिलेगा। अब मैं आपको बताने लगा हूं अपनी तरफ से फिगर्स अज्यूम करके कि 10 साल का लाइसेंस जो है वो हमें मिल गया 50 मिलियन में और 5 साल का लाइसेंस हमें मिलेगा फिर 40 मिलियन में। यानी पहले स्विमिंग पूल में आने तो 50 मिलियन देने पड़ेंगे, फिर और स्विमिंग पूल को यूज करने तो 40 मिलियन देने पड़ेंगे। आप बता दें 40 मिलियन 50 मिलियन के मुकाबले में बहुत सस्ता है। बस बहुत सस्ता का लफ्ज आपने अपनी जबान से निकाला करना, इन दोनों को कंपेयर करते हुए, इन दोनों का मुकाबला करवाने। 40 मिलियन बहुत सस्ता नहीं। आप बता दें वैसे आप पहले साल के पहले दिन खड़े होके क्या सोचेंगे कि मैं रिन्यू करवाऊंगा या फिर कभी देखी जाएगी 10 साल बाद? तो अभी मैं क्या सोचूं कि मैं तो रिन्यू, अब इस 5 साल को मैं क्या कर दूं? इग्नोर कर दूं। अब फिर भी सवाल में दो लाइफें बच गई कि 50 साल आपका इरादा है लेकिन 10 साल तक ये लाइसेंस आपको मिला है। अब इन दोनों के ऊपर एक छतरी बनाई थी कल जो कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 4 में दिया था शॉर्टर ऑफ। अब कोई तुक बनती है 50 साल पे मोटाइज करने की? क्यों? आप कर ही नहीं सकते। आपको इन दोनों में से क्या करना पड़ेगा? शॉर्टर के ऊपर मोटाइज करना पड़ेगा। तो अब सवाल में कितने किस्म की लाइफ गिवन होंगी? तीन। नंबर वन ओरिजिनल लीगल लाइफ और लीगल लाइफ में रिन्यूअल। डन। अब सवाल पकड़ते हैं और सवाल में एक एक करके जो है वो चीजें लेना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पेज नंबर 47। जरा शुरू करते हैं सिर्फ लाइसेंसी से। ऑन 1 जनवरी 2005 एन एंटिटी बॉट 4 लाइसेंसेस फॉर 10 ईयर्स, ए बी सी डी। लेकिन ए बी डी मैंने छुपा दिए, आपके सामने सिर्फ क्या शो किया है? सी। एन एंटिटी बॉट 4 लाइसेंसेस फॉर 10 ईयर्स। एन एंटिटी बॉट 4 लाइसेंसेस फॉर, इसमें जो सी है वो कितने साल के लिए? मैंने गलत जगह तो नहीं लिखा 10 ईयर्स? An entity bought 4 licenses for 10 years. Details are as follows. Cost 300 million देकर 10 साल तक हम लाइसेंस इस्तेमाल करेंगे। Expected period of cash generation आपके मतलब में ये क्या होगा? जितना अरसा इस लाइसेंस में जान है कि हमें कैश जनरेट करके दे सकता है वो कितने साल है? 7 साल। ये क्या हो गई? यूजफुल लाइफ। अच्छा आप पागल हैं कि एक लाइसेंस, मिसाल के तौर पे आपने शेर मारने का लाइसेंस लिया है और जंगल वालों ने बताया, जंगली लोगों ने, कि यहां 7 साल तक ही शेर रहेंगे। जितने आप शेर जिस तरह मार रहे हो ना उस तरह 7 साल बाद शेरों की नस्लें ही बंद हो जानी है इधर। तो आप फिर पागल हो हुकूमत से 10 साल के लिए लाइसेंस खरीद रहे हो? क्यों खरीद रहे हो 10 साल के लिए? हुकूमत 10 साल से कम के लिए देती नहीं होगी, तो मजबूरी है हमारी। ठीक है। अच्छा अगली बात, लाइसेंस कैन बी रिन्यूड फॉर, वैसे तो हम शायद रिन्यू कराना पसंद ही ना करें क्योंकि 7 साल बाद तो शेरों ने इधर नहीं आना, लेकिन चलो एक बहस कॉन्सेप्ट की हद तक तो हम बात करें ना। लाइसेंस कैन बी रिन्यूड फॉर 5 ईयर्स। लाइसेंस कितने अरसे के लिए रिन्यू किया जा सकते हैं?
5 ईयर्स के लिए। तो सवाल में कितनी लाइफ्स गिवन है? 3। हम कितने अरसे शेर मार सकते हैं हकीकतन? 7 साल। हुकूमत ने कितने साल की इजाज़त दी है? 10 साल। और अगर और शेर मारने को दिल चाहे तो 5 साल। अब 5 को हमने कंसिडर करना है या इग्नोर करना है, ये डिपेंड करेगा ₹300 को कंपेयर करने के इससे, क्योंकि ये दोनों रुपीस में गिवन है। आप बताएं, 10 साल के लिए अगर 300 देने पड़े और अगले 5 साल के लिए मुझे 3 देने पड़े, तो 300 के मुकाबले में बहुत सस्ता है। 300 के मुकाबले में बहुत सस्ता है। तो बहुत सस्ती ऑफर को वैसे आम लोग तो एक्सरसाइज करना पसंद करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं 15 साल तो यहाँ लिख रहा हूँ। लेकिन मुझे बताएं अब लॉजिक क्या बनती है, 15 साल ही मैं लिखूंगा इधर, मैं 5 को इग्नोर नहीं करूंगा क्योंकि मेरे से ऑप्शन तो अवेलेबल है। लेकिन आप मुझे बता दें मैं अमोर्टाइज किस पे करूँ? 7 ईयर्स पे। तो 5 ईयर्स को डालना है या नहीं डालना, ये किस बात पर डिपेंड किया करेगा? तो इधर 5 ईयर डालेंगे हम। 5 ईयर डाल के देखा लीगल लाइफ कितनी आ गई, क्योंकि सस्ती ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन वैसे इस डाटे की लॉजिक सोचें, सस्ती ऑप्शन में एक्सरसाइज करूंगा ही नहीं क्योंकि मेरी वो है ही कितना, 7। लेकिन असूली तौर पे अगर बात करें तो सस्ती चीज़ तो बंदा ले ही सकता है ना, तो ले तो सकते हैं। तो ये आपका डाटा आ गया। अब आप मुझे बताएं इस लाइसेंस की जो अमोर्टाइजेशन होगी वो 7 पे होगी, 15 पे होगी या शॉर्टर पे? शॉर्टर पे। तो कॉस्ट कितनी है लाइसेंस की? 3 रुपए को कभी भी अमोर्टाइजेशन में नहीं लिया करना, ये तो खर्चा हो गया है या 10 साल बाद होगा? ऐसा भी कोई सवाल आपको करवाऊंगा जिसमें 10 साल गुजर जाएं, लेकिन फिलहाल पहले साल बता दें क्या करूंगा। 300 ÷ 7 = 14 3। तो ये नोट कर लें, लाइसेंस नंबर कौन सा हो गया? सी। बाकी ए बी और डी अब आप खुद करेंगे, साथ साथ चलाऊंगा मैं। क्लियर? एनी क्वेश्चन? जिनको थोड़ी सी कोई कंफ्यूजन है तो अगला लाइसेंस करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 4 सवाल हैं, 4 रिवीजन में आ जाएंगे, ए बी सी डी। बस वो फिर एक पैटर्न सेम रखो ना सॉल्यूशंस का, वरना पेपर में परेशान हो गए, ज़्यादा लॉजिक सोचनी पड़ेगी, पैटर्न सेम रखो बस। रिन्यूअल लाइफ को सिर्फ कब डालना है? जब सस्ती हो रिन्यूअल, बहुत सस्ती हो। अच्छा जी, आप जरा लाइसेंस ए की तरफ मूव करें। आप सारे समझें, ऑन जगम जनवरी 2015 एन एंटिटी बॉट 4 लाइसेंसेस फॉर 10 ईयर्स। तो ये लाइसेंस है कितने अरसे के लिए खरीदे? 10 साल के लिए। बाय किया होगा गवर्नमेंट से 10 साल के लिए, ये लीगल लाइफ हो गई, ओरिजिनल लीगल लाइफ ये हो गई। डिटेल्स आर एज फॉलोज, कितने का खरीदें? 500 का। वैसे ये इनटेंजिबल कितना अरसा फायदा दे जाएगा? एक्सपेक्टेड ये कितना कैश जनरेट कर सकता है? 13 साल। अच्छा, वैसे खरीदा हुकूमत से कितने साल के लिए? सारे लाइसेंस रिन्यू कितने साल के लिए कराए जा सकते हैं? 5 साल के लिए। अभी मुझे 5 साल लिख लेने दें, पहले इधर 5 साल लिख लेने दें। 10 साल जमा 5 साल। अच्छा जी, अब सवाल यह है कि ये 5 साल मुझे इधर लिखना चाहिए था या नहीं लिखना चाहिए था, ये डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर। अब आप मुझे हाईलाइट करवा दें, 500 और 80,
यार बहुत सस्ता तो नहीं है। अब अगेन जाके फड्डा वहीं जाके पड़ेगा, आप कहेंगे सर हमें कोई परसेंटेज बताएं, हमें इस तरह पता नहीं चल रहा। नहीं नहीं भाई, जब बहुत सस्ता होगा ना आपको वाजे पता चल जाया करेगा। 500 के मुकाबले में 2 रुपये, 500 के मुकाबले में 6 रुपये, 500 के मुकाबले में 10 रुपये, 500 के मुकाबले में 12 रुपये, ये तो क्या बनेगा। लेकिन 500 के मुकाबले में 80 शायद सस्ता तो है लेकिन बहुत सस्ता नहीं है। अब बता दें ये बहुत सस्ता, बहुत सस्ता को एक और लफ्ज़ भी कहा जाता है, ना होने के बराबर। क्या 500 के मुकाबले में 80 ना होने के बराबर है? अगर इधर कोई 15-20 हज़ार होता और इधर 80 होता फिर हम क्या कहते, ये ना होने के बराबर। लेकिन 500 के मुकाबले में 80 ना होने के बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ तो है ना, बहुत सस्ता तो नहीं है। तो अब बता दें ये बहुत सस्ता है नहीं है, तो इसका मतलब है रिन्यू करवाने का सोचें या जब 10 साल पूरे होंगे तब देखी जाएगी, 10 साल पूरे होंगे तब देखी जाएगी। तो फिलहाल मैं क्या करूं, रिन्यूअल को कंसिडर करूं या क्रॉस कर दूं? तो लिख बेशक लें अपने समझने के लिए अभी, लेकिन उसको क्या कर दें, क्रॉस कर दें, क्योंकि रिन्यूअल बहुत सस्ती नहीं है, बहुत सस्ती नहीं है। आप बता दें ये कितनी हो गई, 10 साल। आप ये बता दें हुकूमत ने अभी फिलहाल 10 साल की इजाज़त दी है, वैसे ये चीज़ 13 साल फ़ायदा दे के जा सकती है, मुझे बता दें मैं किसके ऊपर अमोटाइज करूँ, शॉर्टर ऑफ, शॉर्टर ऑफ वाली बात इधर ही रही। ये कौन सा लाइसेंस है? ए। कॉस्ट 500, कॉस्ट ओरिजिनल वाली देखा करनी है आपने, 500 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 50। अगला लाइसेंस डी, टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने सिर्फ अमाउंट को देखना है। चलें जी, ऑन जकम जनवरी 15 एंटिटी बॉट 4 लाइसेंसेस फॉर 10 ईयर्स। लाइसेंस डी हुकूमत ने कितने अरसे के लिए दिया है? 10 साल के लिए। लाइसेंस डी हुकूमत ने 10 साल के लिए हमें दिया, ये लाइसेंस कितना अरसा फायदा दे सकता है? 14 साल। आप बता दें 10 साल के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 180। और फिर अगले 5 साल के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? 2। तो क्या 180 को अगर मैं 2 से कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं बहुत सस्ता है? बहुत सस्ता है। अगर बहुत सस्ता है यानी ना होने के बराबर है, तो जब ना होने के बराबर है तो इस ऑप्शन को हम अवेल करेंगे। अब मैं 5 साल को इसमें डालूं या ना डालूं? 5 साल डालें, कितना हो गया? 15। अब माना कि ये चीज 15 साल हुकूमत की तरफ से मिल गई है, लेकिन इसने फायदा ही कितने साल देने? 14 साल। लेकिन ऐसे तो पेपर में आपने अपने से बातें नहीं करनी, फिर तो सोचते ही रहेंगे। पेपर में तो बस ये रूल है, क्या? शॉर्टर ऑफ। कॉस्ट बताएं, शॉर्टर 14 इज अमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट लाइसेंस नंबर बी, चलें जी 10 साल के लिए कितने पैसे देने हैं? 560। तो 10 साल के लिए हुकूमत की तरफ से मिल गया लाइसेंस, ये फायदा कितना अरसा हमें दे सकते हैं? ये चिड़िया मारने का लाइसेंस है, चिड़िया माशाल्लाह खत्म नहीं होती, चिड़ियों को मारते रोर आती रहती हैं, तो चिड़िया मारने का लाइसेंस है। तो चिड़िया मारने का लाइसेंस हमने हुकूमत से ले लिया, और हम कितना अरसा चिड़िया मार सकते हैं? जब तक मर्जी चाहें, इनडेफिनेट अरसे तक। लेकिन हुकूमत ने कितने अरसे की इजाजत दी है? 10 साल के लिए।
लेकिन एक ऑप्शन भी है वैसे हमारे पास कि अगर हमारा और चिड़िया मारने को दिल चाहा तो चिड़ियों को नहीं बुलाएंगे हम, लाइसेंस रिन्यू करवा लेंगे. तो लाइसेंस कैन बी रिन्यूड फॉर 5 years. अब इस 5 को डालने या नहीं डालना ये डिपेंड करेगा, मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों को, 560 वर्सेस 120. तो 560 के मुकाबले में 120 बहुत सस्ता कह सकता हूं? तो बहुत सस्ता नहीं है. तो 5 साल को लिखना है तो लिख लें, लेकिन लिख के मैं काट रहा हूं क्योंकि अभी रिन्यूअल ऑप्शन मुझे नहीं पता, देखी जाएगी. क्या ले लूं? 10 साल. अब इनडेफिनेट और 10 साल में से शॉर्टर. अब आपने ये नहीं कहना, कल आपने पढ़ाया था कि जिनकी इनडेफिनेट लाइफ है उनको अमोर्टाइज नहीं करना. ओ भाई, इनडेफिनेट तो इन दोनों में से शॉर्टर के बाद डिसाइड होगी, तो इसकी इनडेफिनेट नहीं है. हकीकतन इसकी लाइफ अब कितने साल है सिर्फ, जो फायदा 10 साल है, क्योंकि इनडेफिनेट और 10 में से शॉर्टर है. शॉर्टर 10 आ गया तो ये इनडेफिनेट नहीं रही, ये सिर्फ चीज 10 साल फायदा देके जाएगी. कॉस्ट पकड़े, डिवाइडेड बाय 15 6. किसकी? वो बस सबर सबर, रिन्यूअल की बात कर रहे हो ना? नहीं, ये हजरात अक्सर सवाल पूछ रहे हैं कि जो रिन्यूअल कॉस्ट है इसको अमोर्टाइज करना है, ये जब कभी रिन्यू होगा तब देखी जाएगी. अब हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, अगले पेज पे आ जाएं जरा. क्वेश्चन 7. अब वो जो सवाल आप हजरात पूछ रहे हैं उसकी डिस्कशन होने लगी है. वी ऑब्टेन्ड अ लाइसेंस फॉर, हुकूमत से कितने साल के लिए लिया? 2 साल के लिए. वी ऑब्टेन्ड लाइसेंस ऑफ किसने लिया, कितने पैसे देके? 100 मिलियन देके. 100 मिलियन देके 2 साल के लिए हमने हुकूमत से लाइसेंस ले लिया. अच्छा, अब यहां तक मुझे बता दें कि मैंने यूजफुल लाइफ, लीगल लाइफ, और इन दोनों में से क्या लेने? शॉर्टर लेने. वी ऑब्टेन्ड लाइसेंस फॉर 2 years. ये कौन सी लाइफ है दोनों में से? लीगल लाइफ. ओरिजिनल या रिन्यूअल वाली? ओरिजिनल. कितनी जी? 2 साल. इट कैन बी रिन्यूड, इसको रिन्यू किया बाय अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 years. इसको 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है. 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है. इट कैन बी फर्दर रिन्यूड फॉर 3 years बाय पेइंग रुपीज 60 मिलियन. कितने देके पैसे? 60 मिलियन देके. अब आप मुझे बताएं 2 साल के कितने पैसे हैं? 100 मिलियन. और बाकी 3 साल के? 60. 60 मिलियन 100 मिलियन के मुकाबले में बहुत सस्ता है. अगर इधर शायद कोई 10,000 मिलियन होता, 15,000 मिलियन होता, फिर शायद हम कह देते ये बहुत सस्ता है. लेकिन फिलहाल 60 मिलियन 100 मिलियन के मुकाबले में बहुत सस्ता नहीं है. आप मुझे बता दें, अगर बहुत सस्ता नहीं है तो क्या मैं रिन्यूअल को कंसिडर करूँ या काट दूँ? काट दूं. तो इधर क्या लिखूं फिर? और यूजफुल लाइफ सवाल में दी नहीं, नो डाटा अवेलेबल, नो डाटा अवेलेबल. आप बता दें फिर मैं कितने पर अमोर्टाइज करूं?
कितने पर अमोर्टाइज करूँ? 2 साल पर, क्योंकि यूजफुल लाइफ का उसने हमें डाटा दिया नहीं, इसलिए मजबूरन जो लीगल लाइफ है उसी से खेल लेंगे। यहाँ तक नोट करें, ये कौन सा हमारा आंसर शून्य होने लगे? टाइम को नहीं देखना, हमेशा रुपीस को कंपेयर करना है। आपने स्विमिंग पूल में ये नहीं देखना 4 घंटे और 2 घंटे, आपने ये नहीं देखना, आपने ये देखना है कि पहले टाइम के कितने पैसे देने पड़े हैं और अगले टाइम के कितने पैसे देने पड़े हैं, सिर्फ पैसों को कंपेयर करना है। वो बड़ी फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कैलकुलेशन, इसीलिए शायद स्टैंडर्ड ने बात को आसान रखा है, वो पैसों से खिलवाया उसने, अरसे से नहीं। अच्छा जी, ये लाइसेंस कब खरीदा था? 1 जनवरी 12 को, तो 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ओरिजिनल कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और रिन्यू कितने साल के लिए करा सकते थे? 3 साल के लिए। लेकिन हम स्टिल अमोर्टाइज कितने साल पे कर रहे होंगे? क्यों? क्योंकि इधर 100 मिलियन हमें देने हैं और इसके कितने देने हैं? 60 मिलियन। इसलिए जिस वक्त मैं 1 जनवरी 12 को खड़ा हूंगा तो मुझे बताएं इस दिन मेरी जेब से कितने पैसे जाएंगे 2 साल का लाइसेंस खरीदने? 100 मिलियन। तो 1 जनवरी 12 को मैं क्या एंट्री करूंगा? लाइसेंस डेबिट इंटेंजिबल और कैश क्रेडिट। ये 100 मिलियन किस दिन पे करूंगा? 1 जनवरी 12 को। इसको 5 साल पे अमोर्टाइज करूंगा या सिर्फ 2 साल पे? कितने सालों पे? 2 सालों पे। 31/12/12 पे खड़े होकर मैं एंट्री करूंगा अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। डन? अच्छा, 31/12/13 पे खड़े होकर मैं क्या एंट्री करूंगा? नोट करने की जरूरत नहीं, सॉल्यूशन दिया हुआ है, आसान सी चीज है, कोई मसले वाली बात नहीं। कॉस्ट 100, लाइफ शॉर्टर इन दोनों में से 2, तो 100 मिलियन पे करके लाइसेंस हमें 2 साल फायदा दे गया, कितना हो गया? क्लियर? अच्छा, आगे अब सवाल के अंदर आएं और सवाल के अंदर आके आप रिक्वायरमेंट पढ़ें, सवाल में आके रिक्वायरमेंट पढ़ें। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31/12, 13, 14, 15, 16 एज्यूमिंग इट वॉज रिन्यूड ऑन 1 जनवरी 14। लेकिन मेरे भाई वो तो 1 जनवरी 14 को रिन्यू कराने की वजह ये बनी होगी 2 साल बाद हमने सोचा होगा कि अब रिन्यू करा लें, 4 घंटे स्विमिंग पूल में बैठ के सोचा होगा बाकी पैसे देने हैं या नहीं देने। तो एज्यूम करें 1 जनवरी 14 को उसने रिन्यू करवा लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस दिन प्रोग्राम था रिन्यू करवाने का। कहते हैं एज्यूम करो, जब आप यहां आके खड़े हुए तो आपने सोचा मैं क्या करवा लूं? रिन्यू करवा लूं। अब यार अगर इसने रिन्यू करवा लिया है तो अब इस दिन मेरे ख्याल से रिन्यूअल फीस पे कर दी होगी। जब 4 घंटे स्विमिंग पूल इस्तेमाल कर लेंगे और अगले 2 घंटे के लिए महंगे पैसे देने हैं तो महंगे पैसे देने की जरूरत में पैसे तो देने पड़ेंगे ना। तो आप बता दें आपने रिन्यू करवाना अगर पसंद कर लिया है तो आप इस दिन खड़े होकर 1 जनवरी 14 को रिन्यूअल फीस पे करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। कितनी रिन्यूअल फीस पे करेंगे? होंठ हिलाएं साथ, पूरी या 60 मिलियन? 60 मिलियन पे करेंगे। मुझे बता दें 60 मिलियन को मैं क्या करूं? एसेट बना लूं दोबारा? एसेट बनाऊं, क्योंकि पहले तो 100 को एसेट बनाया हुआ है और आपको पता है 100 फुली डेप्रिशिएट हो चुका है, तो 60 मिलियन को एसेट बनाऊं, इसको वैसे कितने सालों में आप खत्म कर दूं? रिमेनिंग लाइफ इसकी तो लाइफ 3 साल है ना, तो ये 60 मिलियन देके कितना फायदा उठा लूंगा? 3 साल। तो इसमें तो कोई शॉर्टर के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है, बस 3 साल लाइफ रहेगी है, तो 3 साल के ऊपर इसको अमोर्टाइज कर दूं ना। तो अब 1 जनवरी 14 को मैं इंटेंजिबल दोबारा खरीद रहा हूं, एक इंटेंजिबल डेबिट, जेब से पैसे एक दफा इस दिन जाएंगे, जैसे किसी ने टीवी का लाइसेंस हुकूमत से लिया, जियो वालों ने 2 साल के लिए, फिर 2 साल बाद दोबारा लाइसेंस खरीदा,
तो कितने पैसे गए जी? ये एक तरह का समझ लें नया इंटेंजिबल है शायद, तो इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट। अब इसको कितने सालों में ख़त्म कर दें बताएं जी? अमोर्टाइजेशन डेबिट अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन 60/320 और 31/12 15। बोलें जी, अमोर्टाइजेशन डेबिट अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन 60/3 और 31/12 16। अमोर्टाइजेशन डेबिट कितना? डन। अच्छा एंट्री देख लें कितनी आसान हो गई। अगर रिन्यूअल महंगी है, अगर रिन्यूअल महंगी है, अगर रिन्यूअल क्या 100 रुपये खरीदे दो साल पे अमोर्टाइज कर दें, 60 रुपये खरीदे। एंट्री देखें बच्चों वाली ज़रा, बिल्कुल इंट्रो की क्लास वाली। जैसे एक कुर्सी खरीदी दो साल पे अमोर्टाइज कर दी, दूसरी कुर्सी खरीदी 3 साल पे अमोर्टाइज कर दी। तो एंट्री बड़ी आसान है। इन केस ऑफ रिन्यूअल इज महंगी, महंगी में ये हमारा आसानी है ना कि जब कभी होगी रिन्यूअल तब देखी जाएगी। डन। इसकी एंट्रीज नोट करनी है या बस यहाँ से देख लें? यहाँ से देख लें, नोट करने की ज़रूरत नहीं है जी। जेब से पहली दफ़ा पैसे कब गए? इसको 50-50 डेप्रिशिएट कर दिया जा अमोर्टाइज। जेब से दूसरी दफ़ा पैसे कब गए? यकम जनवरी 14। इसको कितने सालों पे अमोर्टाइज कर दिया? 3 सालों पे। डन। अब अगला सवाल क्या होना चाहिए हमारा, ज़रा सोच के बताएं अगला सवाल क्या होना चाहिए, अगला सवाल क्या हो जिससे ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इधर 100 मिलियन हो और इधर आगे अमाउंट जो है ना होने के बराबर हो। क्वेश्चन 7A, वी ऑब्टेन्ड अ लाइसेंस फॉर ऑन यकम जनवरी 2000 बाय पेइंग रुपीज 100 मिलियन। डन। वही डेटा हमने रखे हैं, लेकिन अब रिन्यूअल 100 के मुकाबले में 6 ना होने के बराबर, तो इट कैन बी रिन्यूड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ बाय पेइंग रुपीज 6 मिलियन। अब क्वेश्चन का डाटा सेम रहा या क्वेश्चन का डाटा बदल गया? क्वेश्चन का डाटा बदल गया, रिन्यूअल 6 की है। अब आप मुझे ये बता दें कि मैंने लाइसेंस ओरिजिनली कितने साल के लिए खरीदा? 2 साल के लिए। तो लीगल लाइफ 2 साल। इट कैन बी रिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ, ये 3 साल के लिए क्या हो सकता है? लेकिन 3 को टिक करने या क्रॉस करने ये एक अलग बहस है। आप बता दें 600 के मुकाबले में बहुत सस्ता, तो ऐसी सूरत में हम क्या करें? 3 को टिक कर दें। तो यूजफुल लाइफ नो डाटा, सवाल में डाटा अवेलेबल नहीं है। तो अब मुझे बता दें 5 साल। अच्छा, अब पहले दिन से ही 100 मिलियन को कितने सालों पे अमोर्टाइज करें? 5 सालों पे। एंट्रीज गौर से देखनी आप। यकम जनवरी 12 को जेब से पैसे जाएंगे, जेब से पैसे जाएंगे, कितने जाएंगे? 100। क्या सोचा है कितने साल इस्तेमाल करना है? 6 मिलियन अभी खर्चा हुआ है या होगा? अभी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, और 6 मिलियन का जब खर्चा होगा तब हम उसकी एंट्री करेंगे सर। और ये ना कहिएगा यार 6 मिलियन की एंट्री करके 6 मिलियन एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट। यार पेएबल क्रेडिट तब होते हैं जब लाइसेंस मिल गया हो अगले 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए भी मिला ही नहीं, वो तो रिन्यू कब कराना है? 2 साल गुजर जाएंगे तो तब रिन्यू कराना है, इसलिए कोई बुक करने की जरूरत नहीं 6 मिलियन को। तो 6 मिलियन को भी लिफ्ट ना कराएं। सिंपल एंट्री 100 मिलियन की, लेकिन लाइफ क्या लें अब? 5 साल, क्योंकि स्विमिंग पूल में छलांग मारते ही पता है इतनी सस्ती चीज़ है, तो इंशाल्लाह 6 घंटे स्विमिंग पूल में गुजारेंगे। तो इधर 5 साल इस्तेमाल करेंगे। किसको पकड़ा? 100 को डिवाइड 5 से। डन। आगे चलें।
100 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा ऑब्वियसली इसमें इसने तमहीद बांधने के लिए सवाल में लिख दिया है। एज्यूम करें कि जकम जोनी को हमने रिन्यू करवा लिया, सस्ती रिन्यूअल थी, करवानी थी इंशाल्लाह, तो हमने रिन्यू करवा लिया। अब भाई अगली एंट्रीज आपने जो है वो देखनी है, वो क्या होंगी। अब मुझे बताएं जकम जनवरी को हमारी जेब से पैसे जाएंगे या नहीं जाएंगे। जकम जनवरी 16 को 14 को हुकूमत को हम कहेंगे हमें 3 साल के लिए और लाइसेंस दे दो, तो हमारी जेब से कितने पैसे जाएंगे, 100 या 6। ये जो 6 जाएंगे, इस 6 को इनटेंजिबल नहीं बनाना आपने, इस 6 को स्टैंडर्ड में कोई वाजे नहीं लिखा हुआ इसकी एंट्री, लेकिन आई कैप अपने सॉल्यूशंस में इसको एक्सपेंस में डाल रहा है, क्योंकि 100 के मुकाबले में 6 ना होने के बराबर है तो कहता है ये इमटीरियल सी। हालांकि 6 मिलियन आपको देखने में अमाउंट मटीरियल लग रही है, लेकिन बिल मुकाबला 100 तो ना होने के बराबर है, इसलिए इस 6 को ना हमने एक्सपेंस में डाल दिया करना है। 6 को रिन्यूअल कॉस्ट को कहाँ डाल देना है, एक्सपेंस में डाल देना है या नया इंटेंजिबल बनाना है। अगर इसको एक्सपेंस में डाल देना है तो शुक्र है अब अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन बदलने की, क्योंकि कॉस्ट 100 जमा 106 हो गई या कॉस्ट 100 ही रही। सो ही रहने दे, कॉस्ट 100 ही रही, तो अब उसी तरह अमोर्टाइजेशन करते रहे। सो कितने साल खत्म हो चुके हैं, कितने साल हो चुके हैं, तो 100 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 3 नहीं करेंगे, वो तो नहीं नहीं वो देखें 100 डिवाइड बाय अगर आप 3 करेंगे तो 33 33, ये तो पता नहीं क्या आ जाएगा, फुली डेप्रिशिएट से भी कुछ ज्यादा चीज हो जाएगी। तो नहीं वो रहने दो, तो सिंपल जो आप पहले कर रहे थे वही करें। 100 डिवाइडेड बाय 5, इस एंट्री ने इंटेंजिबल को छेड़ा या नहीं छेड़ा, तो जिसको नहीं छेड़ा उसको चलने दें अपने रास्ते पे। 100 बड़ा 5 100 बड़ा 5 100 बड़ा 5, तो इसको चलने दें। वो तब करते हैं जब कोई इवेंट हकर हो चुका हो, हमने तो अभी रिन्यू कराया ही नहीं, अवॉइड हो सकता है ना वो एक्सपेंस, इसलिए आप ना करवाएं रिन्यू। किसने कहा, हाँ लाइफ इफेक्ट हो रही है, बस अब स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हुआ है, लाइफ इफेक्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा जी एंट्रीज देख लें, इनटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 100 रुपये से, और 31/12 13 कॉस्ट, भाई ये क्लोज करवाओ भाई TS, ये बंद करवाओ, क्या हो रहा है, 100 डिवाइड बाय 5 100 डिवाइड बाय 5। ये कम जाने 14 को क्या एंट्री करेंगे, इनटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट, तो शुक्र है का मतलब है आगे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनटेंजिबल की लाइफ सॉरी इनटेंजिबल की कॉस्ट पर फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो अमोर्टाइजेशन जिस तरह निकाल रहे थे उसी तरह निकालते रहे, तो अमोर्टाइजेशन को हाईलाइट कर लें, इस नॉर्मल तरीके से अमोर्टाइज होता रहेगा। डन, अब अपने समझने के लिए एक सवाल कर लें, बस इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा। ऑन जकम जनवरी 22 वी बॉट लाइसेंस फॉर 5 इयर्स, 5 इयर्स ज्यादा हो जाएगा, फॉर 1 ईयर टाइम लग जाएगा, फॉर ₹300 मिलियन। इट कैन बी रिन्यूड फॉर ₹2 मिलियन
फॉर फर्दर टू ईयर्स, फर्दर टू ईयर्स, फर्दर टू ईयर्स के लिए कितने का रिन्यू हो सकता है? 2 मिलियन का. एंट्रीज कर दें फॉर टू ईयर्स. एंट्रीज कर दें किस किस साल की? 31/12 बोले बोले, 31/12 22, 31/12 23 और 31/12 24. एज्यूमिंग बोले, एज्यूमिंग इट इज रिन्यूड ऑन 1 जनवरी 23. चले 24 के लिए, हाँ 31/12 22 23 और 24 की एंट्रीज कर दें. On 1 January 22, we bought license of for 1 year for rupees 300 million. It can be renewed for rupees 2 million for further 2 years. Entries कर दें 31/12 22 23 और 24 की, assuming it is renewed on 1 January 23. एक साल बाद ये renew हो गया है. अच्छा, अब अगर आप उर्दू के दो फिक्रे याद कर लें, इधर देखें, इधर देखें, अगर इधर देखें, बड़ी समरी होने लगी है बात की. अगर रिन्यूअल सस्ती हो, अगर रिन्यूअल तो पहले दिन से अमोर्टाइज करते हुए रिन्यूअल को कंसिडर करें. पहले दिन से अमोर्टाइज करते हुए रिन्यूअल को, अगर रिन्यूअल सस्ती हो तो पहले दिन से अमोर्टाइज करते हुए रिन्यूअल को कंसिडर करें. ये पहली बात हो गई. अगली बात, और जब रिन्यूअल का खर्चा हो तो उसको एक्सपेंस में डाल दें. और जब रिन्यूअल का खर्चा हो तो उसको, बस ये बात लिख लें. अगर पहले दिन से, हाँ सॉरी, अगर रिन्यूअल सस्ती हो, अगर रिन्यूअल बहुत सस्ती हो, अगर रिन्यूअल बहुत सस्ती हो तो पहले दिन से अमोर्टाइज करते हुए, तो पहले दिन से अमोर्टाइज करते हुए रिन्यूअल पीरियड को कंसिडर करें. तो पहले दिन से अमोर्टाइज करते हुए रिन्यूअल पीरियड को कंसिडर करें. और जब रिन्यूअल का खर्चा हो उसको एक्सपेंस में डाल दें. और जब रिन्यूअल का खर्चा हो उसको एक्सपेंस में डाल दें. अच्छा, दूसरी बात करने की जरूरत नहीं. दूसरी बात आप बता दें क्या है? अगर रिन्यूअल महंगी हो, जैसे 160 था, तो पहले दिन से अमोर्टाइज करते हुए रिन्यूअल को लाइफ में कंसिडर ना करें. और जब रिन्यूअल हो, अगर हो जाए, तो उसको इनटेंजिबल बनाकर अमोर्टाइज कर दें. क्लियर? जी भाई, 1 जनवरी 22 इनटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने का? 300 का.
31 12 22 जी, एक साल में दो साल डालूं या क्रॉस कर दूं? एक साल में दो साल डालें, तो पहले दिन से ही कितने साल पे अमोर्टाइज करें? तीन साल पे। तो अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकमोलेटेड अमोर्टाइजेशन 300 डिवाइडेड बाय 3, डेट कम्स टू 100। अच्छा जी, इसके बाद अगले साल रिन्यूअल करवाएंगे, यकम जनवरी 23, क्या एंट्री होगी जी? एक्सपेंस डेबिट कितने से? 2 से। लेकिन अभी तक इंटेंजिबल तो फुली अमोर्टाइज नहीं हुआ, इसको दो साल पे और अमोर्टाइज कर लें। 31 12 23। अच्छा, अमोर्टाइजेशन का फॉर्मूला बदलने की जरूरत नहीं। अमोर्टाइजेशन डेबिट अकामोलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट 300 डिवाइडेड बाय 31 12 23 24। बोलें जी, अमोर्टाइजेशन डेबिट 300 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 100। ये इंपॉर्टेंट बात है। सस्ती रिन्यूअल को आपने कहाँ डाल दिया? खर्चे में डाल दिए या कैपिटलाइज कर दिए? खर्चे में डाल दिए। आप पास्ट पेपर का एक सवाल ट्राई करेंगे दो तीन लाइनों का, तो ये इंशाल्लाह अगर आपसे हो गया तो समझ लें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। पास्ट पेपर के क्वेश्चन 5 में आ जाएं। पेज नंबर 25। हमारा साल कौन से? 31 12 11। सवाल में करना क्या है? हमने एक्सप्लेन करना है या एंट्रीज करनी है? एक्सप्लेन करना है, लेकिन इस बात को छोड़ें, एक्सप्लेन करना है। आप पॉइंट नंबर 2 पढ़ के इसकी एंट्रीज कर दें। अगर ये सवाल आपसे हो जाते तो इंशाल्लाह बात क्लियर होगी। सिर्फ 31 12 11 की, अब दीवाना बार सारे सालों की एंट्रीज नहीं करनी, सो जिसकी मैं कह रहा हूं। एंट्रीज हो जाए तो हाथ खड़ा कर दें। जी, कितने लोगों से हो गया? हाइब्रिड वाले में लाके हाथ खड़ा कर दिया जरा। डन, एंट्रीज हो गई। कितने लोग कर रहे हैं अभी? तरह हाथ खड़ा करो यार, जल्दी करो ना, इसमें क्या है आप। अच्छा जी, फिलहाल 2011 का साल है, तो पहली वाली कॉस्ट होगी या रिन्यूअल वाली कॉस्ट हमने पे की होगी? पहली वाली कॉस्ट पे की होगी। अच्छा, चीजें मैन्युफैक्चर करने का राइट टेंजिबल है इनटेंजिबल है? इनटेंजिबल है। अ राइट टू मैन्युफैक्चर अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट अंडर अ पेटेंट, पेटेंट होता है इंटेंजिबल, यानी आपने उसको अपने नाम करवा लिया ताकि कोई और अब इसको प्रोड्यूस ना कर सके। राइट टू मैन्युफैक्चर अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट अंडर अ पेटेंट, पेटेंट मींस आपने अपने नाम करवा लिया हुकूमत से,
फॉर अ पीरियड ऑफ वॉज परचेज्ड ऑन यकम मार्च 11 फॉर रुपीज 17 मिलियन. यकम मार्च 11, 31 दिसंबर 11 हमारे साल खरीदा है या पहले का खरीदा है? हमारे साल खरीदे. तो खरीदने की एंट्री और अमोर्टाइजेशन की एंट्री दोनों होंगी या सिर्फ अमोर्टाइजेशन की? अगर हमारे साल से पहले खरीदा होता तो फिर तो अमोर्टाइजेशन की एंट्री होती. अभी खरीदा भी है हमारे साल और हमारे साल ईयर एंड भी आया तो अमोर्टाइज भी होगा. पहली बात ये होगी. दूसरी बात मोहतरम, क्या ये ब्रांड पर सॉरी क्या ये पेटेंट परचेज्ड है या इंटरनली जनरेटेड है? आज के बाद हर सवाल पे वो रूल लगाने हैं. क्या ये परचेज्ड है या इंटरनली जनरेटेड है? अगर ये परचेज्ड है तो क्या परचेज्ड वाले सारे ही इंटेंजिबल होते हैं? परचेज वाले सारे ही इंटेंजिबल होते हैं. इंटरनली जनरेट वाले तो 5 इंटेंजिबल नहीं होते. तो ये तो परचेज किया तो ये तो इंटेंजिबल है ही. अच्छा, कितने पैसे देके परचेज किया? 17 मिलियन. द पेटेंट हैज एन एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स. इसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 10 साल है. अब मजे की बात सुने, एक लाइफ ये दे दी, एक लाइफ उसने ये दे दी और एक लाइफ उसने ये भी दे दी. 3-3 लाइफें उसने दे दी हमें. ठीक है जी. अब आप जो है वो अगर समराइज करना शुरू करें, द राइट टू मैन्युफैक्चर अ वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट अंडर अ पेटेंट फॉर 5 ईयर्स वॉज परचेज्ड. अच्छा, पहले बताएं जी, ओरिजिनली लीगल लाइफ कितने साल है? 5 साल. द पेटेंट हैज एन एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ, इससे हम फायदा कितना अर्सा उठा सकते हैं? 10 साल तक. मिसाल के तौर पर कोरोना की वैक्सीन है तो कोरोना बनाने वाली कंपनीज कहती हैं यार इसकी यूजफुल लाइफ तो 4 साल है, शायद 4 साल बाद तो किसी को कोरोना के स्पेलिंग भी ना आए और ये सारी वबा उठ जानी है. तो मैक्सिमम कितना साल बेच लेंगे ये वैक्सीन है, हम कितना कमा लेंगे? ता क्यामत तो नहीं कमाते रहेंगे, ये कोरोना कभी ना कभी तो जाना ही है. तो इसलिए यूजफुल लाइफ भी होती है चीज़ों की. तो यूजफुल लाइफ कितनी है इसकी? हमारे पास एक ऑप्शन है रिन्यू करने की इसको. कितने साल के लिए? अभी अमाउंट ना देखें आगे. रिन्यूअल कितने अरसे के लिए? 5 साल के लिए. अब सवाल क्या राइज होगा, मैं हाईलाइट करने लगा हूँ दो चीज़ें. अब भाई के मैंने आपको बताया बड़ा आसान आसान फिगर्स दे रहे हैं, फ़ौरन पता चल जाता है. क्या 12 मिलियन 17 मिलियन के मुकाबले में बहुत सस्ता है? तो इसका मतलब है मैं रिन्यूअल को क्या करूँ, इग्नोर कर दिया. तो जवाब क्या आ गया? 5 साल. अब शॉर्टर क्या है? 5 साल. अब एंट्री सिर्फ 1 साल की करनी है, यकम मार्च 11. सॉल्यूशन में तो एंट्रीज नहीं हुई, आपको करनी पड़ेगी. यकम मार्च 11 एंट्री बताएं जी. इनटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 17 से. जो खर्चा हो गया उसको रिकॉर्ड करेंगे या जो होगा? हो गया कितना? बाकी तो फिर कभी 5 साल बाद होगा, उसको छोड़ें हमारी बला से. 12 मिलियन. अच्छा, 31-12-11 अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट जी. कॉस्ट शॉर्टर 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 महीने की अमोर्टाइजेशन आएगी. मुझे चाहिए मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई से 10 महीने की. इनटू 10/3. सॉल्यूशन में पता नहीं क्या लिखा हो, छोड़ो. 2.8. क्लियर? ओके. अच्छा, ये रिन्यूअल वाला कॉन्सेप्ट तो चलो हो गया. इस पे आपने इनटेंजिबल पे वो जो 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे वो लगाए थे या नहीं लगाए थे कि ये इनटेंजिबल भी है या नहीं लगाए थे? ये इनटेंजिबल परचेज्ड वाला है या इंटरनली जनरेट वाला? परचेज वाले तो सारे इंटेंजिबल होते हैं. अगला सवाल, 2 कॉन्सेप्ट है ना हमारे. पहला, ये परचेज वाला है या इंटरनली जनरेट वाला है?
परचेज वाले इसलिए इंटेंजिबल बना लिया। अगला सवाल, अमोर्टाइज करने या नहीं करना, उसमें फिर आगे तीन एसेट्स हैं, क्या ये हम डेवलप कर रहे हैं खुद या बना बनाया लिया है? क्या ये गुडविल है या कोई और चीज़ है? इसका तो नाम ही पेटेंट है, ये गुडविल नहीं है। क्या इसकी इनडेफिनेट लाइफ है या पाँच साल शॉर्टर आ रहा है? तो तीनों बातें नहीं पाई जा रही, तो इसको क्या करना है? अमोर्टाइज करेंगे। डन, तो इसकी कर लें एंट्रीज खुद ही, एक मिनट लगाएं पॉइंट वन की। पॉइंट वन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कमेंस्ड ऑन यकम जनवरी 11। हमारे साल के पहले दिन रिसर्च डेवलपमेंट शुरू हो गई। वैसे ना अच्छा सवाल होता ना तो बताता रिसर्च कब शुरू हुई, फिर रिसर्च कब ख़त्म हुई और डेवलपमेंट कब शुरू हुई, लेकिन कोई नहीं, हो सकता है अदर इन्फॉर्मेशन में इतना वाजे उसने बता दिया हो कि हमें फिर परेशानी ना हो। बहरहाल अजीब सी स्टार्ट किया इसने, कहते रिसर्च भी चल पड़ी और डेवलपमेंट भी चल पड़ी। किस दिन? यकम जनवरी 11 को। ऑन यकम अक्टूबर 11, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 9 महीने बाद। ऑन यकम अक्टूबर 11, द इनटेंजिबल इज कमर्शली वायबल, नहीं लिखा हुआ कमर्शली लॉन्च। ज़रा मुझे बताएं कमर्शल लॉन्चिंग से क्या मुराद है? कमर्शल लॉन्चिंग उधर लिखा हुआ था कमर्शली वायबल, और कमर्शली वायबल के बाद एक तारीख बताई हुई थी उस सवाल के अंदर, और उसमें लिखा हुआ था कमर्शली वायबल शायद सितंबर में हो रहे, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में या अप्रैल को लॉन्च हो रहा है, तो इधर लॉन्चिंग डेट बताई है। कमर्शली लॉन्च का क्या मतलब है? बाजार में बिकने लग गया या बाजार में बिकने लग गया कमर्शली लॉन्च? तो इस दिन से ऑनवर्ड्स इसको क्या करेंगे? अमोर्टाइज करेंगे। इसीलिए इसमें इसकी लाइफ भी दी होगी इंटेंजिबल की। इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रोडक्ट वुड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड। बता दें जी रिसर्च को क्या करें? अच्छा जी, डेवलपमेंट के बारे में उसने नहीं लिखा अच्छी है या बुरी है, तो क्या एज्यूम करें? यार अगर डेवलपमेंट बुरी एज्यूम कर लोगे तो इंटेंजिबल बनना ही नहीं, तो फिर अमोर्टाइज किसको करोगे? तो डेवलपमेंट के बारे में जब सवाल खामोश होगा तो हम एज्यूम किया करेंगे डेवलपमेंट अच्छी वाली है। सवाल में ऊपर वाली लाइनों से तो कोई नहीं पता चला ना डेवलपमेंट कौन सी वाली है। सवाल में तो ऊपर से ये भी नहीं पता चल रहा रिसर्च कब ख़त्म हुई है, डेवलपमेंट कब शुरू हुई है। सवाल की ऊपर वाली लाइनों से तो ये भी पता नहीं चल रहा, तो रिसर्च को कहाँ डाल दें? जनरल रूल एक्सपेंस रिसर्च को, और डेवलपमेंट को कैपिटलाइज कर दें, और ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, भाई ये दो खर्चे हैं जिनको हमेशा हमने एक्सपेंस में डालना है, एक ट्रेनिंग और एक एडवर्टाइजमेंट। बोलें, ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट, इन दो खर्चों को हमेशा खर्चों में डालना है, ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकते। कौन कौन से? ट्रेनिंग कॉस्ट। ट्रेनिंग कॉस्ट क्यों नहीं कैपिटलाइज हो सकती? हमारा स्टाफ पे कंट्रोल नहीं है। एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं कैपिटलाइज हो सकती? क्योंकि हमारा कस्टमर पे कंट्रोल नहीं है। आप जितनी मर्जी बड़े बिलबोर्ड लगा दें, क्या ये जिम्मेदारी है कि कस्टमर आपके हाथ में आ गया? इसलिए ट्रेनिंग को हमेशा एक्सपेंस आउट करेंगे। भाईजान ट्रायल रन जो है ना हमेशा कैपिटलाइज होगी, ट्रायल रन ज़रूरी होती है प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले, और ट्रायल रन से पता चलता है ये प्रोडक्ट अब इस काबिल है कि ये जो है वो चीज़ें बना सके फ्यूचर में या नहीं। तो ट्रायल रन चाहे IS 16 हो चाहे IS 38 हो, इसको हमेशा क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। अब इकट्ठी एंट्री कर दें क्या? इंटेंजिबल में कितना डालें?
नाइन और कितना और एक्सपेंस में कितना डालें 4.5 और क्रेडिट क्या करें 14.8. साइंस दानों को अच्छी वाली डेवलपमेंट की तनख्वाह दी, पैसों में दी होगी ना 0.8 क्या है, ट्रायल रन टेस्टिंग जिन लोगों से करवाई उन लोगों को टेस्टिंग की तनख्वाह दी, पैसों में दी होगी ना। स्टाफ को ये 0.5 स्टाफ को ट्रेन कराया, किसी ट्रेनर को बुला के ट्रेनर को पैसे दिए होंगे ना, तो स्टाफ को ट्रेन कराया होगा। और 4.5 रिसर्च की फेज में साइंसदानों को तनख्वाह पैसों में दी होगी ना। ये हो गई पहले जैसी एंट्री, यानी इनटेंजिबल की। एक सवाल आपने अपने आप से जरूर पूछने, ये इनटेंजिबल इनटेंजिबल भी है या नहीं, उसके बाद मैं अगली बात कर लेता हूं। ये इनटेंजिबल है, वजह सुने क्यों, क्या ये परचेज है या इंटरनली जनरेट है? अगर रिसर्च और डेवलपमेंट आ जाए तो हम खुद बना रहे होंगे, अगर इंटरनली जनरेट है तो सवाल में इसका नाम प्रोडक्ट लिखा हुआ है या सवाल में इसका नाम प्रोडक्ट लिखा हुआ है या ब्रांड मैस्थिट पब्लिशिंग टाइटल लिखा हुआ है? तो जब ब्रांड मैस्थिट पब्लिशिंग टाइटल कस्टमर लिस्ट नाम नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये ऐसा इंटरनली जनरेटेड है जिसको कैपिटलाइज किया जाएगा। अगला सवाल है इसको अमोर्टाइज करना या नहीं करना, क्या ये प्रोडक्ट है या गुडविल है, कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज बन रही है। अच्छा, क्या इसकी इनडेफिनेट लाइफ है या 7 साल लाइफ है? क्या ये इन प्रोग्रेस वर्क है या कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई है? यकम अक्टूबर से चीजें बाजार में बिकनी शुरू, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इस इनटेंजिबल से जो चीज बनी होगी, हो सकता है रायता बना रहे हो हम, उसका प्रोसेस है ये, तो कि ये बाजार में बिकना शुरू हो चुका है, तो इसको क्या करेंगे बोले, एंट्री बोले, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस और अकमोलेटेड क्रेडिट, कॉस्ट बोले, लाइफ 7 years, किस दिन कमर्शियली लॉन्च हो गया, अक्टूबर नवंबर, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर, जी 0.35, कितने लोगों से यही एंट्रीज हो गई थी जरा हाथ खड़ा करके बता दें। ओके, ओके, गेट रेडी फॉर ए न्यू चैलेंज। 0.4 पढ़ें, अच्छा अब आप आइए 16 की पहले एक डिस्कशन कर लेते हैं। एक बस है, आपने पिछले साल खरीदी है, उस बस में 50 कुर्सियां थीं, तो आपने बस को डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया। अगले साल आपने उस बस की 50 कुर्सियों की रिपेयर कराई, क्योंकि सवारियों ने अपना नाम लिख दिया था कि मुल्तान से लाहौर हम 5 फरवरी को सुबह 4 बजे चले थे
और जो है वो इतने बजे पहुंचे थे, तो सवारियों ने इतना ज़्यादा लिख दिया और पीछे बैठ के जो है वो फाड़े होते थे यहाँ से, तो आपने सीटें रिपेयर कराई अगले साल, इस साल बस खरीदी सीटें रिपेयर कराई अगले साल, अगले साल क्या एंट्री होगी सीटें रिपेयर कराने की, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट या कुर्सियाँ डेबिट कैश क्रेडिट? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, इसी तरह आपने जो है वो कोई और बस है एक साल खरीदी, उसमें थी 50 कुर्सियाँ, अगले साल आपने बस की पीछे से दीवार तोड़ के 10 कुर्सियाँ उसमें और लगा दी, आप बता दें कि उसकी एंट्री क्या होगी? बस डेबिट कैश क्रेडिट, बस डेबिट कैश क्रेडिट। इसी तरह इंटेंजिबल होता है, इनटेंजिबल के अंदर अगर डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाए, मिसाल के तौर पे कोई रायता है वो नेस्ले वालों ने लॉन्च कर दिया है और लॉन्च करने के बाद वो चल रहा है और बाद में उसमें कोई नई डेवलपमेंट करनी पड़ जाए, तो क्या वो नई डेवलपमेंट अगर फ्यूचर में बेनिफिट दे सकती है तो उसको भी क्या कर लेना चाहिए, एसेट के कॉस्ट में डाल देना चाहिए या एक्सपेंस बना देना चाहिए, कैपिटलाइज कर देना चाहिए? पढ़ें अब जरा, इन पिछला साल, क्या लिखा हुआ सवाल में? इन पिछला साल, सितंबर 2010 तो दीवाने पढ़े हैं, हमें तो बात समझ आ रही है, इन पिछला साल, पिछले साल हमने डेवलप किया, खुद बनाया है एक प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कैपिटलाइज्ड इट एज एन इंटेंजिबल एट डेवलप या डेट वाज अंडर डेवलपमेंट, इसका मतलब है पिछले साल की बैलेंस शीट में ये इंटेंजिबल 7 मिलियन पे कैपिटलाइज था, वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पे नहीं, फुल एसेट के तौर पे। तो पिछले साल की अगर मैं बैलेंस शीट देखूं 31 दिसंबर 2010 की, जो मेरी आंखों के सामने इस वक्त नहीं है, तो उसमें इनटेंजिबल 7 मिलियन का नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये अमोर्टाइज नहीं होना। द न्यू प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ। इसकी यूजफुल लाइफ क्या है? तो जो जिसकी यूजफुल लाइफ इनडेफिनेट है वो लैंड टाइप कोई चीज है, तो इसको फिर अमोर्टाइज नहीं करेंगे। तो पिछले साल की बैलेंस शीट में ये कितने पे नजर आ रहा होगा? 7। ड्यूरिंग 2011 RI इनकट फर्दर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 3 मिलियन, इस पर फर्दर खर्चा हुआ है 3 मिलियन का, इस फर्दर को कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? सब्सिक्वेंट ऑन द न्यू प्रोसेस विच मीट द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ, जो कि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पे मीट कर रहा है, इसका मतलब है ये फ्यूचर में बेनिफिट देकर जाएगा। क्या ये रिपेयर मेंटेनेंस टाइप कोई चीज है या फ्यूचर में बेनिफिट देगा अलग से? वो जो 50 कुर्सियों को रिपेयर किया फ्यूचर में अलग से बेनिफिट नहीं मिलना उसका, वो जो 10 कुर्सियां डाली उनका बेनिफिट मिलेगा। तो सवाल कह रहे ये वाला 3 भी बेनिफिट देकर जाएगा। तो अब हम मुझे ये बता दें कि पिछले साल जो बैलेंस शीट बनी होगी उसमें इस इनटेंजिबल की कॉस्ट क्या आ रही होगी? 7 मिलियन या 10 मिलियन? 7 मिलियन। अच्छा, ये तो बैलेंस शीट हो गई। जनरल एंट्रीज 2011 की मैं बोल रहा हूं, क्योंकि 10 की तो मुझे मांगी नहीं ना, सारी 11 की डिस्कशन है। 11 में फर्दर कितना खर्चा हुआ 7 वाली पे? 3। इस 3 की एंट्री बोलें इनटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट। अब जब 2011 की मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ब्रॉड डाउन कितना है? 7। एडिशंस 3। तो इंटेंजिबल कितने पे नजर आएगा? और इसमें से एक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन मैंने माइनस क्यों नहीं की? क्योंकि लाइफ अवेलेबल नहीं है। तो पिछले साल की बैलेंस शीट जो है वो मैं सिर्फ हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि ये सवाल का पार्ट नहीं है, आपके समझने के लिए मैंने बनाई है। जो बाकी मैंने हाईलाइट नहीं किया वो इस सवाल का पार्ट तो स्टिल नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेन करना, तो एक्सप्लेन करने का मतलब होता है इंग्लिश लिखना, वो मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इसकी जनरल एंट्रीज कर लें और बैलेंस शीट बना लें। इसका P&L बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी अमोर्टाइजेशन या इंपेयरमेंट लॉस का डाटा अवेलेबल सवाल में नहीं है। इनटेंजिबल तो अमोर्टाइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी लाइफ क्या है? इंडेफिनिट। मैं बता देता हूँ, एंड पे पूछो।
ओके अगर लिखा होता कि ये डेवलपमेंट बुरी वाली है यानी 3 million ऑन द न्यू प्रोसेस विच डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन फिर तीन को किस में डाल देते एक्सपेंस में डाल देते लेकिन फिलहाल हमने तीन को क्या कर लिया कैपिटलाइज कर लिया डन तो पी एंड एल में अमोर्टाइजेशन वगैरह क्यों नहीं जाएगी क्योंकि इसकी इनडेफिनेट लाइफ है ओके पढ़ें जी पॉइंट नंबर 3 पॉइंट 3 जो आखिरी रह गया क्या पॉइंट 3 RI has acquired a brand. तो ब्रांड खुद बना रहे हैं या बना बनाया खरीदा है तो वो हमने पढ़ा था ब्रांड मैस्थेट पब्लिशिंग टाइटल वगैरह अगर बना बनाया खरीदे तो ये क्या होगा इनटेंजिबल एक्वायर्ड अ ब्रांड एट अ कॉस्ट ऑफ 2 million द कॉस्ट वॉज इनकर्ड इन द मंथ ऑफ जून 2011 हमारे साल खरीदा आगे मत पढ़ें पहले इंटेंजिबल की एंट्री बता दें इंटेंजिबल ब्रांड डेबिट इंटेंजिबल ब्रांड डेबिट कैश क्रेडिट द कॉस्ट वॉज इनकर्ड इन द मंथ ऑफ जून 2011 द लाइफ ऑफ द ब्रांड इज एक्सपेक्टेड टू बी 10 years डेफिनेट लाइफ इनडेफिनेट डेफिनेट लाइफ अच्छा पहले तो ये डिसाइड कर लें ये ब्रांड ब्रांड भी है यानी एसेट के तौर पे डेबिट भी होना चाहिए या नहीं तो क्योंकि ये ब्रांड मैस्थेट पब्लिशिंग टाइटल और कस्टमर लिस्ट इंटरनली जनरेट वाली नहीं है परचेज वाली है इसलिए ये डेबिट होगा अगला सवाल है ये अमोर्टाइज भी होगा या नहीं होगा तो उसके लिए अगर इसकी इनडेफिनेट लाइफ है या इसका नाम गुडविल है जो कि नहीं है या ये डेवलपमेंट इन प्रोसेस भी नहीं है क्योंकि हम खुद डेवलप नहीं कर रहे बल्कि बना बनाया खरीद रहे हैं तो ऐसी सूरत के अंदर ये तीन बातें जो कल पढ़ी थी वो इसमें नहीं पाई जा रही इसलिए ये इनटेंजिबल क्या होगा अमोर्टाइज होगा कितने सालों के ऊपर करंटली देर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर दिस ब्रांड इस वक्त ब्रांड की कोई एक्टिव मार्केट इतनी नहीं है तो हाउएवर RI इज प्लानिंग टू लॉन्च एन एग्रेसिव मार्केटिंग कंपेन इन फरवरी 12 हम सोच रहे हैं कि फरवरी 12 में इसकी एग्रेसिव मार्केटिंग कंपेन लॉन्च कर दें अच्छा ये लाइन बस इसका शायद ये मकसद था कि वो इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन एक तरह की आ गई है कि शायद हमारा ब्रांड इम्पेयर हो गया है तो इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लें लेकिन इम्पेयरमेंट की एंट्री इसलिए नहीं कर सकते कि डाटा अवेलेबल नहीं है तो वैसे ही बताते कहते हैं ये जो ब्रांड हमने लॉन्च किया ना ये जो किसी से ख़रीद के अब हमारा ब्रांड हो गया है तो अभी तक ना लोग इस चीज़ को ज़रा ख़रीद नहीं रहे लेकिन इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि अगले साल फरवरी में क्या कर देंगे मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करेंगे और लॉन्च करने की वजह से इंशाल्लाह लोग इस चीज़ को पसंद करना शुरू कर देंगे तो क्या मतलब है फ्यूचर में बेनिफिट फिर आने की उम्मीद है कि नहीं है ऐसे पागल तो नहीं है कि 10 million हम 2 million हम खर्च दें और कहीं फ्यूचर में बेनिफिट ही नहीं आने तो ये इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की डिस्कशन के लिए कल मैं इस लाइन को थोड़ा सा पढ़ लूँगा इससे ज़्यादा और कोई मकसद नहीं इस लाइन का तो फिलहाल इसको अमोटाइज कर दें अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अकोमोलेटेड बोलें जी कॉस्ट 2 / 10 अच्छा जून को क्या लेंगे भाई जान बैग बंद ना करें बादशाही मस्जिद तो नहीं जाना नमाज पढ़ने बोलें अच्छा क्या करेंगे इसको जून को यकम जून लेंगे या 30 जून लेंगे यकम जून ले लें इंटू 0.2 क्या एंट्री बन जाएगी जी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट अच्छा अब मुझे आप ये बताएं कि तकरीबन सबकी हमने दो दो एंट्रीज की हैं तकरीबन सबकी हमने दो दो एंट्रीज की हैं ये पहली वाली
एडजस्टमेंट थी जो हमने पढ़ी थी रिन्यूअल वाली, इसकी भी दो एंट्रीज की हैं, इधर भी खरीदने की भी एंट्री की, अमोर्टाइज करने की भी एंट्री की, और वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट था उधर खरीदने की भी एंट्री की, अमोर्टाइजेशन की भी एंट्री की। अब बताएं ये जो दो एंट्रीज बार बार होती हैं तो हर एंट्री करते हुए क्या सोचना होता है? अच्छा, ये एंट्री करते हुए सोचना होता है मैं तो कि परचेज्ड है या इंटरनली जनरेटेड है। अगर परचेज्ड है फिर तो एसेट है, और अगर इंटरनली जनरेटेड है और पांच की लिस्ट में नहीं आ रहा तो भी एसेट है। दूसरी बात, ये एंट्री करते हुए सोचना होता है कि अगर इसकी इंडेफिनेट लाइफ है या परचेज्ड गुडविल है या डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस, इन तीनों में से कोई है तो अमोर्टाइज ना करें, इंपेयरमेंट टेस्ट से मस्त गुजारें। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तो फिर इसको क्या करें? अब अमोर्टाइज में अगली गेम ये होती है कि यूजफुल लाइफ, लीगल लाइफ और लीगल लाइफ की जुड़ी हुई बहन रिन्यूअल, क्योंकि यूजफुल लाइफ एक अलग चीज़ है, लीगल लाइफ एक अलग चीज़ है, और लीगल लाइफ के साथ उसकी जुड़ी हुई बहन उसका नाम क्या है? रिन्यूअल। उसको कंसिडर करना है या नहीं करना? अब ठीक है, मेरी तरफ से ओवर। ये देखना, नहीं इधर देखे ना, आपने ये नोट्स बंद नहीं करने। ये क्या है ये? हाँ हाँ हाँ, ना 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 ना, नोट्स बंद नहीं करने। हाँ जी, MCQ नंबर 5, पेज नंबर 38। जी ऑनलाइन वाले हाथ खड़ा करें और बताएं, 1 है यानी A है, B के लिए 2, C के लिए 3 और D के लिए 4। जी जी, उस क्लास में से मुझे नहीं नजर आ रहे, नजर आ जाएंगे इधर से, उंगलियां भी आपकी नजर आएंगी कितनी खड़ी की हैं। इधर दो हजरात ने उंगलियां खड़ी कर दी हैं। जी आप हजरात में से कोई उधर? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट एज एन इनटेंजिबल? भाईजन, खुद बनाया हुआ ब्रांड इनटेंजिबल है? खुद बनाई हुई गुडविल इनटेंजिबल है? दीवाने ने देखें कैसी दीवानगी में डाला, कहते मुकम्मल रिसर्च है। ओ भाईजन, मुकम्मल रिसर्च है या ना मुकम्मल रिसर्च है, चाचू है तो रिसर्च है। ऐसे दीवाना बना रहे जैसे पता नहीं क्या रिसर्च के अंदर कोई नई कैटेगरी बना रहे। कहते अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल रिसर्च, पूरी पूरी रिसर्च है भाईजन, जितनी मर्जी रिसर्च है, पूरी या अधूरी है, रिसर्च तो क्या है? एक्सपेंस। इसलिए ये भी इनटेंजिबल नहीं है। यार ये एक मिनट, पैकिंग कर लें जिसने करनी है। पेमेंट मेड ऑन द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट, पेटेंट अपने नाम करवाना है, जरा सोच के बताएं ये एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा या नहीं? कोई पेटेंट हमने खरीदा है फिर अपने नाम करवाना है जाके, आपने IS 16 में पढ़ा होगा, लैंड आपने खरीदी और फिर LDA में जाके अपने नाम करवाई, तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी या हर मुल्क की अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, तो लैंड खरीदना और जाके अपने नाम कराना, क्या ये नाम कराने का खर्चा एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता है या नहीं बनता? तो इनटेंजिबल में भी ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ओके अच्छा चलें जी, पॉइंट 11 कितना एंजॉय कर रहे हैं हम। पॉइंट 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी, मुंह में पानी आ रहा है ना, अगले माह सही होगा या नहीं होगा, हाथ खड़ा करते हैं हाइब्रिड क्लास से, जल्दी 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 जल्दी, क्या जवाब है इसका? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिकॉर्डेड एज एन इनटेंजिबल? भाई जी, ड्रग वो ही नहीं होती जो आप लोग ड्रग सोच रहे हैं, ड्रग दवाई भी होती है। अच्छा तो भाई कह रहे हैं मुझे पता है वो भी दवाई होती है। अच्छा नई ड्रग, अच्छा ये पेटेंट होते एक फॉर्मूला बना के उसको अपने नाम करवा लेना, इसे कहते हैं पेटेंटेड ड्रग, यानी अपने पास इसको आप लाइसेंस करवा लें हुकूमत से, पेटेंटेड
टिड नहीं, वो वाला टिड नहीं, पेटेंटेड ड्रग। कौन सी ड्रग? पेटेंटेड ड्रग। नई ड्रग का पेटेंट अपने नाम करवाया। तो भाईजान ड्रग तो चाहे इंटरनली जनरेट हुई हो, फिर भी ये इंटेंजिबल ही है, तो इसको फिर अपने नाम करवाना भी इंटेंजिबल है। जिप पूरी बंद करो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट टू, लाइसेंस फॉर न्यू वैक्सीन। लाइसेंस फॉर न्यू वैक्सीन इंटेंजिबल है या नहीं है? नई वैक्सीन है उसको हुकूमत से, इसे कहते हैं लाइसेंस्ड वैक्सीन और उसको कहते हैं पेटेंटेड ड्रग। और अगली बात, भाईजान ट्रेनिंग कोर्स स्पेशल होने से इंटेंजिबल नहीं बन जाता। ट्रेनिंग चाहे आप स्पेशल वाली दें, ट्रेनिंग चाहे आप, है तो ट्रेनिंग ना, तो ट्रेनिंग करके स्टाफ पे कंट्रोल है? स्टाफ पे कोई कंट्रोल नहीं। तो ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट हर हाल में कहां जाएगी? एक्सपेंस में जाएगी। ओके, टू मिनट्स लेफ्ट। ओ गाइस, फिर हो गई 2 मिनट्स। वी आर वेरी लकी पीपल सिटिंग ऑन दिस अर्थ। ओके, सेकंड ठीक है, सेकंड कर लो। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कुड पोटेंशियली बी क्लासिफाइड एज ब्रांड नेम खरीदा है इंटेंजिबल? है भाई। ट्रेनिंग किसी भी सूरत में इंटेंजिबल? खुद बनाया हुआ ब्रांड इंटेंजिबल नहीं है। लाइसेंस एंड कोटाज, कोटा होते हैं, सुन लें कलेजी पोटानी, कोटा बोले पोटानी, कोटा। कोटा ये होता है कि मिसाल के तौर पे हम हुकूमत इंपोर्ट कोटाज दे रही है, तो इंपोर्ट कोटा मींस के इंपोर्ट करने का इजाजत नामा, तो ये तो लाइसेंस इसको कहते हैं। तो लाइसेंस का मुश्किल सा नाम कलेजी पोटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।